हाय दोस्तों वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बच्चा ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये जो आपके सामने आ रहे हैं बड़ा दीज आर हंड्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सी फाउंडेशन मैथ्स फॉर जून ट्वेंटी फोर तो यू ऑल मस्ट प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन नाउ दिस क्वेश्चन लेट मी क्लैरिफाई बच्चा दिस विल बी कवरिंग अप योर पी वाई पीस एम टी पीज एवरीथिंग राइट सो जैसे ही आप जून ट्वेंटी फोर का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली प्रिपेरिंग दीज क्वेश्चन थर्ली चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम कुछ क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं प्लीज है लुक सबसे पहले आपको क्या लिखा है इफ गोल इज कोडेड एज एच पी बी एम ओके हम स्टार्ट करते हैं भाई ध्यान से देखिएगा गोल गोल को बच्चा हमने कैसे कोडअप करा है हमने कोडअप करा बड़ा उसको एच पी बी एम स्टार्टिंग विद रीजनिंग पार्ट एंड फ्रॉक को हमने कोडअप करा है प्लीज ध्यान से देखिएगा फ्रॉक फ्रॉक को कोडअप करा बेटा G S नाउ होल्ड ऑन यहां पर एक छोटा सा MTP टी पी का प्रॉब्लम है ये और यहां एक छोटा सा मिसप्रिंट था एम टीपी के अंदर एक मिसप्रिंट था लेटमी रेक्टिफाई दिस टू यू बेटा यहां पर टी नहीं था इनस्टेड ऑफ टी यहां पर डी था राइट right? तो एम टीपी का एक प्रॉब्लम है बच्चा जो रिसेंट एम है उसको प्लीज रेक्टिफाई करिएगा और K के साथ आपको क्या लिखा हुआ है यहां पर एल ठीक है सो जस्ट हैव टू रेक्टिफाई दिस दिस वाज डी एक्चुअली ओके अब बच्चों यहां पर जब आप इसमें नोटिस करते हो जी के साथ एच दैट मीनस सारा कुछ आप नोटिस करते जाइए प्लस वन आ रहा है दैट मीनस ओ के बाद पी ए के बाद बी सो इट इज अ वेरी वेरी रिलैक्सिंग एंड ईजी क्वेश्चन क्यों बिकॉज उसने बोला है एल ओ एफ ए आर That is, को उसने वहां पर बोला है कि भाई हम लोग किस तरह से कोडअप कर सकते हैं क्या आता है एम ओ के बाद क्या आता आपके पास पी एफ के बाद क्या आता है जी ए के बाद बी और आर के बाद एस योर ऑप्शन इज सी ऑप्शन राइट ओके नेक्स्ट हमारे पास आता बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन टू इन का क्वेश्चन है इट इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बोलता है ग्राफ ऑफ फॉलो लीलियन इनक्वालिटी आपको यह गिवन है आपको इसमें से कॉमन रीजन को मार्क करना है आप प्लीज ध्यान से डायग्राम को चेक कर लेना कॉमन रीजन बहुत इजीली मार्क हो जाती है लेस आपके पास बोला है ग्रेटर देन वन दिस इज द लाइन जिसका ग्रेटर देन वन दैट मींस ऊपर वाला एरिया यू कैन सी दिस ओके वाई लेस देन फाइव लेस देन फाइव मतलब ये नीचे वाला एरिया आ गया बच्चों ये वाला सारा नीचे वाला एरिया आ गया x लेस देन सिक्स लेस देन सिक्स दैट मीन ये वाला एरिया आ गया चेक कर लीजिए अच्छा फिर आपको लिखा है लेस देन सिक्सटी थ्री दैट मीन ये लाइन का नीचे वाला एरिया सो so गाइज अगर आप इसमें चेक करते हो तो मोस्ट कॉमन रीजन जो हम लोग को यहां पर मार्क करनी है दैट इज ये वाला दिस इज द कॉमन रीजन विच वी हैव टू मार्क ये आप चेक कर लीजिए राइट right? तो हमारा बच्चा जो कॉमन रीजन है उसका हमारा आंसर क्या बनता है आंसर बनता है सी ऑप्शन आप इसमें चेक करें दैट इज ए बी सी डी ई एफ ओके और वापस ए सो so आप इसमें बहुत ध्यान से चेक कर सकते हो योर आंसर एक्चुअली बिकम्स योर सी ऑप्शन ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट भाई आपके पास एक क्वेश्चन आया है ये भी आप देखोगे रीसेंट हमारे एम में से क्वेश्चन है बट दिस इज दिस पेपर इज एक्चुअली विच आई एम सेंडिंग इट टू यू गाइज इज कवरिंग अप ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से डेफिनेटली आपके कुछ क्वेश्चन जून ट्वेंटी फोर में रिपीट होंगे सो मेक श्योर डूइंग इट वेरी प्रॉपरली आई वेल बी प्रोवाइडिंग यू टू लेक्चर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज वन पार्ट वन पार्ट टू पार्ट वन के साथ उसके बाद आप पार्ट टू बड़े आराम से इसको कवर अप कर सकेंगे लाइक like जैसे आपके पास क्वेश्चन थ्री आ गया है सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाजन ऑफ सीरीज इज ए प्लस बी ओके नाउ ओकेट मीन ट्राइंग टू से भाई मीन और स्टैंडर्ड की जो सीरीज है इसका टोटल इज ए प्लस बी अगर सपोज कर लीजिए हम हर एक में टू टू ऐड करते हैं सपोज कर लो फॉर ऑल द ऑब्जर्वेशन अगर हम टू ऐड करते हैं सो गाइज आई थिंक आप सारे बच्चों को एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर हम हर एक में टू टू ऐड करेंगे तो हमारा जो अल्टीमेटली मीन होता है वो भी उसमें भी टू ऐड हो जाएगा इट्स वेरी वेरी सिंपल बट मीन में ऑटोमेटिकली साथ में क्या ऐड हो जाएगा टू ठीक है सो मीन में भी बच्चा मेरा टू ऐड हो जाएगा बट स्टैंडर्ड एविएशन से फर्क नहीं पड़ेगा सो योर आंसर वुड बी ए प्लस बी प्लस टू राइट ओके नेक्स्ट ध्यान से देखना बच्चा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अब जैसे आपको ये क्वेश्चन बोला होगा कि वट इज द मीन ऑफ एक्स हैविंग द फॉलोइंग डेंसिटी फंक्शन ओके अब यहां पर बच्चे याद करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला इसमें अगर आप याद करोगे बेटा जो e की पावर होती थी दैट वॉज X माइनस एक्स बार या इसको हम रिप्रेजेंट करते थे X माइनस म्यू दैट वॉज अ ग्रीक लेटर फॉर मीन सो अगर आपको यहां मीन पूछा गया है अंडरस्टैंड दिस ये जो आपके पास एलिमेंट लगा होगा दिस इज ऑलवेज योर मीन तो हमारा मीन का आंसर क्या है बच्चा टेन ओके okay? हमारे मीन का आंसर क्या आ गया टेन नेक्स्ट एक थ्योरी क्वेश्चन पकड़ते हैं भाई कि एक सूटेबल ग्राफ जो आपके हर चीज को सब पार्ट्स में डिवाइड करता है देखो सब पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है दोस्तों अगर आप इसमें चेक करते हो जैसे मान लीजिए हमारे डायग्राम को जो सब पार्ट्स में डिवाइड करता है सब पार्ट में कौन सी चीज डिवाइड करती है ऑलवेज अ चार्ट याद रखिएगा सो द आंसर इज चार्ट ओके नेक्स्ट नाउ अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन गाइस ध्यान से देखिएगा कहते हैं राम इज नोन टू हिट अ टारगेट इन टू आउट ऑफ थ्री शॉट्स राम जो है बच्चा वो टारगेट हिट करता है चलिए हम एक काम करते हैं प्रोबेबिलिटी दैट राम विल हिट द टारगेट इज टू आउट ऑफ थ्री ओके नाउ शाम विल हिट द टारगेट लेट्स से प्रोबेबिलिटी की शाम टारगेट को हिट करता है दैट इज फाइव आउट ऑफ इलेवन अब यहां लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट विल बी हिट इफ बोथ ऑफ देम ट्राई ऑलवेज रिमेंबर क्या बोला है अगर दोनों ट्राई करते हैं तो ठीक है लेट्स सी मतलब इसका मतलब एटलीस्ट वन विल हिट द टारगेट ठीक है सो so, अगर मैं आपसे बात करता हूं एटलीस्ट वन एटलीस्ट वन का हमारा एक बहुत सिंपल सा फंडा होता था फ्रेंड्स वो क्या माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दैट वाज एटलीस्ट वन दैट मींस अगर मैं वन में से फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकाल देता हूं सो दैट मींस एटलीस्ट वन विल हिट द टारगेट बिकॉज अगर वहां लिखा हुआ है टारगेट वुड बी हिट टारगेट हिट तभी होगा जब एटलीस्ट वन विल हिट द टारगेट राइट सो याद रखना दोस्तों हमारे पास एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि भाई वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर सो दैट मींस वन में से फेलियर फेलियर दैट मींस अगर टू बाई थ्री सक्सेस है तो आप समझ सकते हैं हमारा फेलियर क्या होगा फेलियर विल बी वन बाय थ्री वेरी ऑब्वियस अगर फाइव बाय इलेवन सक्सेस है तो फेलियर क्या होगा सिक्स बाय इलेवन सो वन बाय थ्री इंटू सिक्स बाय इलेवन अगर मैं इसमें से वन से माइनस कर दूं So, मेरे पास जो आंसर आता है दैट विल बी 27 सेवन बाई थर्टी थोड़ा सा इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं दैट वर्क एंड नाइन योर आंसर राइट ओके नेक्स्ट आपके पास अगला क्वेश्चन आया कि एक पॉपुलेशन है 25 मेंबर्स की और आपको चाहिए सिंपल रैंडम सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट नाउ अंडरस्टैंड दिस सिंपल रैंडम सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट इफ यू रिमेंबर हम इसको ऐसे लिखते थे एस आर एस डब्ल्यू ओ आर दैट मीन सिंपल रैंडम सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट अब इस केस में हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता था एन सी एन नाउ मेरे पास यहां पर बच्चा टोटल कितने हैं ट्वेंटी फाइव मेंबर्स सी टू बिकॉज मेरे को कितने चाहिए वहां पर टू मेंबर्स So, इसको हम लोग को सिंपली सॉल्व करना है फ्रेंड्स 25 फैक्टोरियल ओवर 25 फाइव माइनस टू फैक्टोरियल इनटू टू फैक्टोरियल अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए दैट मींस 25 फाइव इंटू ट्वेंटी फोर इंटू ट्वेंटी फैक्टोरियल वील स्टॉप एट 23 बिकॉज we'll हम लोग को नीचे से 23 कट कर देना है और इंटू टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल इज एक्चुअली टू ओनली दैट्स टू इंटू फ्रेंड्स so अब अब इसमें चेक करते हो तो हमारे पास ये कैंसिल हो गया दिस इज आल्सो कैंसल सो हम लोग यहां पर बड़े आसानी से आंसर निकाल सकते हैं दैट विल बी ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेल्व एंड दैट वर्क आउट टू बी थ्री हंड्रेड सो थ्री हंड्रेड इज माई आंसर राइट ओके अब बच्चे भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको हम बात करते हैं रूम हैस टेन डोर इन हाउ मेनी वे मैन कैन एंटर द रूम सो दम आउटर डिफरेंट डोर दैट मीन रूम के दस दरवाजे हैं भाई देखिए दस दरवाजे हैं इसमें बहुत सिंपल सा फंडा है आपको मैंने एक कराया हुआ है परमिटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर डिब्बा मैथड इफ यू रिमेंबर हम लोग एक डिब्बा मैथड करते थे वट वॉज दैट कि भाई एक आदमी के अंदर जाने के तरीके कितने हैं दस अब बाहर जाने के तरीके कितने हैं नौ नौ क्यों बिकॉज वो जो बंदा है ना वो जिस दरवाजे से अंदर जाएगा उस दरवाजे से वो बाहर नहीं आएगा तो बड़ी ही बात है बट अगर उसके अंदर आने के दस तरीके हैं तो बाहर जाने के कितने तरीके हैं नाइन सो so, कहने का मतलब बच्चा यहां पर क्या हो गया टेन इंटू नाइन दैट वर्क आउट बी नाइनटी वे आंसर बच्चा नाइनटी वेस ओके नेक्स्ट फ्रेंड्स अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था अगेन यहां पर एक छोटा सा मिसप्रिंट था जो बच्चों को बहुत तंग कर रहा था मैंने बेटा जानबूझ के पहले तो मिसप्रिंट वाले क्वेश्चन पकड़े क्योंकि जो रिसेंट एम हैं बच्चों के बहुत सारे डाउट्स थे सर इसमें ना मिसप्रिंट्स हैं कुछ आप प्लीज ठीक करवा दो इसलिए मैं आपको पहले वो ठीक करवा रहा हूं एवरेज मार्क्स ऑफ वन ट्वेंटी स्टूडेंट्स इन सर्टन एग्जामिनेशन क्वेश्चन में था वन थर्टी फाइव इट वॉज नॉट वन थर्टी फाइव एक्चुअली ये आपको ठीक करना है वो वन नहीं था सो so, अगर आप इसमें चेक करते हो बच्चों तो मेरे पास यहां पर एन कितना था वन ट्वेंटी अब मेरे पास बच्चा वहां पर एवरेज मार्क्स कितने लिखे हुए हैं एवरेज मार्क्स लिखे हुए थर्टी फाइव अब बोलता है जो बच्चे पास हुए Obviously, जो पास हुए लेट से एन वन जो बच्चे पास हुए पास कितने हुए बता आपको तो बोलता भाई कितने मालूम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पता बट आपको यह तो पता है कि वहां पर थर्टी नाइन एवरेज मार्क्स है तो बार वन इज थर्टी नाइन okay? ओके फिर जो फेल हुए हैं फेल का भी नंबर नहीं मुझे पता तो एन टू आई नो बट मेरे पास यहां पर जो बार टू है दोस्तों जो बार टू है मेरे पास आई नो अबाउट दैट बार टू कितना बच्चा मेरे पास जो फेल हुए हैं दैट इज फिफ्टीन सो वट आई कैन डू इज आई कैन यूज अ फॉर कंबाइंड मीन कंबाइंड मीन इज एक्चुअली वॉट एन वन बार वन एन टू बार टू ऑल ओवर एन वन प्लस एन टू अब बच्चे इसमें चेक करो बेटा जो कंबाइन मीन है दैट इज गिवन टू अस मेरे को नहीं मालूम है बट मुझे बार वन पता है तो आई कैन से थर्टी नाइन एन वन ओके नेक्स्ट मेरे पास फिफ्टीन एन टू है और एन वन एन एन टू का कॉम्बिनेशन वन ट्वेंटी जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो बच्चा तो इक्वेशन वर्क्स आउट टू बी थर्टी नाइन एन वन प्लस फिफ्टीन एन टू ज इक्वल्स टू फोर्टी टू हंड्रेड चार हजार दो सो ये आ गया ओके नाउ एन अदर वी नो दैट की एन वन प्लस एन टू इज एक्चुअली इक्वल्स टू वन ट्वेंटी कॉम्बिनेशन अब आप बड़े आराम से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द टेस्ट निकाल सकते हैं हमने एन वन निकालना है ठीक है तो लेट्स एक काम करते हैं बेटा अगर एन वन निकालना है तो हम एक काम करते हैं बेटा एन टू की वैल्यू यहां पर ले, ले लेते हैं वन ट्वेंटी माइनस एन वन अब प्लेसिंग दीज वैल्यूज यहां पर आप किसी भी एक जगह पे वैल्यू प्लेस कर दीजिए ठीक है सो सपोज कर लो बच्चा अगर मान लीजिए अगर आपको ऑप्शन यूज करना है ऑप्शन यूज कर सकते हैं एंड अगर आपको सपोज कर लीजिए वैल्यूज प्लेस करनी है वैल्यूज प्लेस कर सकते हैं ये लीजिए सिंपली सॉल्व द इक्वेशन So, अगर आप इसमें नोटिस करते हो बेटा 120 ट्वेंटी वन ट्वेंटी इन फिफ्टीन दैट वर्क आउटर्टी नाइन एन वन प्लस अठारह सो माइनस फिफ्टीन एन टू इज इक्वल टू फोर थाउजेंड टू हंड्रेड सो इसमें अगर आप नोटिस करते हो भाई तो हमारे पास यहां पर आ गया ट्वेंटी फोर हंड्रेड और यहां पर आ जाएगा ट्वेंटी फोर एन वन राइट एम सॉरी बच्चा यहां पर एन वन लगाना है अपने को इसको ठीक कर लीजिएगा प्लीज ओके सो देखो बच्चा हमारे पास जो एन वन होगा एन वन एन वन विल बी हंड्रेड ये लीजिए सो so, इसी तरीके से आप ऑप्शन ए मार्क कर सकते हो एंड दैट इज योर हंड्रेड अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन टेन आपको क्या बोला है कि द नंबर ऑफ वे सो दैट द ट्वेल्व प्राइजेस कैन बी डिवाइडेड अमंग फोर स्टूडेंट सो दैट ईच मेंव थ्री प्राइजेस ईच नाउ रिमेंबर माई फॉर्मुलास माई शॉर्टकट टेक्निक्स फॉर विच आर गिवेन यू फॉर बेसिकलीमोडेशन कॉम्बिनेशन जब आपके पास वहां पर शॉर्टकट टेक्निक लगती है बारह प्राइजेस आपको बताया था बटा बारह प्राइजेस सिमिलर आइटम्स चेकआउट सिमिलर आइटम्स बारह प्राइजेस इसको डिवाइड करना है चार स्टूडेंट्स में तो इसका बेस्ट ऑप्शन है बेटा थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल एंड थ्री फैक्टोरियल बारह प्राइजेस को मेरे को डिवाइड करना है चार स्टूडेंट्स के अंदर तो आंसर इज थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल ओके तो जब आप इसको सॉल्व करते हो बच्चों तो इसका आपके पास आता है थ्री सिक्स नाइन सिक्स डबल जीरो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर ओके नेक्स्ट दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर आते हैं दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब आप यहां पर देखोगे यह भी हमारे एक रिसेंट एम में से क्वेश्चन है guys. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये हमारे पास पी वाई पी के अंदर भी क्वेश्चन था फाइव बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर टू बी प्लेस इन थ्री बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट साइज ध्यान से देखिएगा सपोज कर लीजिए मेरे पास थ्री बॉक्सेस हैं मेरे को फाइव बॉल्स यहां पर इसमें करनी है इस तरीके से प्लेस करनी है दैट ईच बॉक्स कैन होल्ड ऑल द फाइव बॉल्स दैट मीन्स ये भी हम कर सकते हैं बेटा ईच बॉक्स कैन होल्ड ऑल द फाइव बॉल्स इन हाउ मेनी डिफरेंट वेस कैन वी प्लेस द बॉल सो दैट नो बॉक्स नाउ दिस इज अ रिलिवेंट लाइन कि कम से कम एक बॉल तो हर बॉक्स में होनी चाहिए बॉक्स खाली नहीं छोड़ना सो so, मेरे पास यहां पर क्या होगा बेटा वेरियस केसेस बन जाते जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए हो सकता है मैंने एक बॉल पांच बॉल्स हैं मेरे पास एक बॉल सपोज मैंने फर्स्ट बॉक्स में डाली एक बॉल मैंने सेकेंड बॉक्स में डाली हो सकता है तीन बॉल्स मैंने थर्ड बॉक्स में डाल दी

So, हो सकता है बेटा टू यहां पर, यहां पर टू यहां पर अच्छा फिर पॉसिबल क्या है, बच्चा यहां पर एक नहीं जीरो नहीं हो सकता क्योंकि बोला हुआ बॉक्स को खाली नहीं छोड़ना तो एक बॉल तो रखनी रखनी है अच्छा अब आप देखो इसमें कॉम्बिनेशन कैसे बनती है सपोज पहला वाला केस आ गया फाइव सी थ्री पांच बॉल्स में से तीन मेरे पास सपोज सॉरी फाइव सी वन फाइव सी वन मेरे पास पहले वाला केस आ गया दूसरा फाइव सी वन बिकॉज मुझे अगले में भी वहां पर अब सोचिए, सॉरी इट्स लाइक अगर सपोज कर लीजिए लेट्स से मैं कहता तो हूं मैंने पहले वाला केस केस इस तरीके से ले लिया लेट्स से थ्री वन वन का पहला केस ले लिया ऐसे करते सपोज कर लो बेटा ये क्या आ गया फाइव सी थ्री अच्छा पांच में से तीन अच्छा पांच में से अगर तीन प्लेस हो गई बाकी कितनी दो बॉल्स बची हैं याद रखना पांच में से तीन प्लेस हो गई बाकी कितनी बची दो बॉल्स बची सो so, अगले के लिए क्या बचेगा 2C1. अब अगर सपोज दो में से एक प्लेस हो गई तो आखिरी के लिए क्या बचा वन सी वन अब अगर आप आग जब इसको सॉल्व करते हो बच्चों तो ये ट्वेंटी आ जाता है अच्छा इसी तरीके से नेक्स्ट वाले पे आइए सपोज कर लो लेट से आई एम टेकिंग द केस अभी मैं एक क्यों ले रहा हूं आपको बताता हूं लेट से मैंने इसके लिए कर लिया फाइव सी टू अब पांच में से अगर दो बॉल प्लेस कर दी बाकी क्या रह गया थ्री सी टू या तीन में से अगर आपने दो बॉल प्लेस कर दी बाकी क्या रह गया वन सी वन अब जब आप इसको सॉल्व करते हो दोस्तों ये आता है थर्टी अंडरस्टैंड करते जाना प्लीज सो फ्रेंड्स यहां पर प्रॉब्लम क्या आई है कि अगर आप नोटिस करते हो कि मैंने यहां पर एक कोई रैंडमली केस पकड़ लिया और मैंने इसके एक आंसर निकाल लिया अब मुझे एक, आपको बात समझानी है बच्चों ध्यान से मेरी बात समझना जो आंसर इसका होगा वही आंसर इसका होगा बिकॉज इसका भी सेम आएगा और इसका भी सेम आएगा बिकॉज अल्टीमेटली केसेस तो सेम है चाहे आप सॉल्व करके देख लीजिए सो अल्टीमेटली मतलब यहां पर अगले का भी ट्वेंटी आएगा उसका भी ट्वेंटी आएगा सो दैट मीन इसके कितने हो गए सिक्सटी और इसमें भी अगले का भी थर्टी अगले का भी थर्टी तो कितना आएगा नाइनटी तो टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन क्या हो गए नाइनटी और सिक्सटीज वन फिफ्टी वन फिफ्टी दैट मीन्स आपके पास ऑप्शन क्या आ गया सी ऑप्शन इज द आंसर सो ऑलवेज रिमेंबर इसमें आपको बोला हुआ है कि कम से कम एक बॉल तो आपको हर बैग में रखनी ही रखनी है सो so, आप इसको इस तरीके से प्लेस करेंगे ओके नेक्स्ट नाउ सम ऑफ द सीरीज फ्रेंड्स याद करो एपीजीपी में क्लास में एक बहुत अच्छा फ्लूक बताया हुआ है जब भी ऐसे एन वाली प्रॉब्लम आती है जब भी ऐसी एन वाली प्रॉब्लम आती है ऑलवेज गो फॉर फ्लूट्स एन क्या है बच्चा अपने पास टू ले लिया एन टू लिया दैट मींस ये जो सम आता है ये वाला ये इसका टोटल हमारे पास आंसर आना चाहिए टू फोर्टी थ्री प्लस थ्री ट्वेंटी फोर इसका टोटल आप देखोगे फाइव सिक्सटी सेवन अब मेरे को वैल्यूज प्लेस करनी है इस तरीके से कि मेरा आंसर किसी में फाइव आना चाहिए लेट्स से ए ऑप्शन Say, बच्चा ए ऑप्शन लेते हैं ठीक है स्टार्ट करते हैं बड़ा ए ऑप्शन के साथ थ्री की पावर सिक्स अब एन टू फोर ली ओवर थ्री स्क्वे माइनस वन इसको सॉल्व करते हैं थ्री की पावर सिक्स बच्चों आपके पास आता है सेवन टू नाइन फोर स्क्वेटीन सिक्सटीन ओवर नाइन माइनस वन सो अब इसमें चेक कर लीजिए बच्चों सिक्सटीन ओवर नाइन माइनस वन वर्क आउट टू बी पॉइंट सेवन 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 इसको सेवन ट्वेंटी नाइन से मल्टीप्लाई कर लीजिए यूज यूर कैलकुलेटर्स इट विल बी कमिंग आउट टू बी फाइव सिक्स सेवन येस तो दिस इज योर आंसर यूज द फ्लूक्स गाइस यूज द जादू विच आई यूज टू कॉल इन द क्लास जादू यूज करो मैक्सिमम केसेस में जितने यूज करोगे उतना बेटर होगा आपके लिए ओके नेक्स्ट इसी तरीके से आपको क्या करना है बच्चों जैसे अब ये वाला सम है दिस लुक्स टू बी डिफिकल्ट बट इज वेरी वेरी इजी आपने क्या करना है बच्चा एन को सपोज कर लो टू प्लेस करा और अब आपका जो टोटल आता है वो फोर्टी एट आना चाहिए अब किसी भी एक ऑप्शन में वैल्यू पुट करो लाइक like जैसे अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आप देखोगे बच्चा आपके पास एन को टू प्लेस करोगे आपका एन का टू फोर्टी एट आ जाएगा अगर आप सपोज डबल चेक करना चाहते हो आपके पास एग्जाम में टाइम है आप इनको थ्री प्लेस कर लो इनको थ्री प्लेस करोगे तो जो इनका टोटल होगा इन तीनों का दैट मींस फोर 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 प्लस फोर्टी एट आपके पास आंसर फोर नाइन टू आएगा सो so, इसी तरीके से इसमें प्लेस करोगे बच्चा तो आपके पास ऑप्शन ए वुड बी द आंसर राइट सो डोंट फॉरगेट द टेक्निक्स द टेक्निक विच हैव टॉट यू इज वेरी वेरी इजी एंड यूज दैट जादू यूज दैट ट्रिक्स मैथ्रिक्स विच हेज बीन टॉट इन द्लास ओके अब जैसे अगला क्वेश्चन नॉर्मली ये जो ग्रेडियंट वाले क्वेश्चन होते हैं ये कैलकुलस के पार्ट आते वेरी इजी ध्यान सपोज कर लो वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वे माइनस फाइव एक्स प्लस फोर सबसे पहले आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में बड़ा इसका डेरेवेटिव निकालेंगे डीवाई बाई डी एक्स ये क्या आ जाएगा सिक्स एक्स माइनस फाइव अब आपको डेरेवेटिव के अंदर बोला हुआ है पॉइंट है वन एक्स इज वन एक्स इज वन दैट इज सिक्स इंटू वन माइनस फाइव सो आंसर इज वन सो मार्क कर लीजिए ओके नेक्स्ट दोस्तों अगर आप अगला क्वेश्चन देखते हो एक बॉक्स में सेवन रेड सिक्स वाइट फोर ब्लू बॉल्स है और आपको बोलते हैं हाउ मेनी सेक्शंस ऑफ थ्री बॉल्स कैन बी मेड सो दैट नन इज रेड आपको बोला है कोई भी रेड नहीं होना चाहिए भाई एक मिनट रेड चाहिए ही नहीं आप एक काम करें पहले देखो टोटल बॉल्स कितनी है आपके पास सेवन सिक्स और फोर बट इसमें से मुझे रेड नहीं चाहिए रेड क्रॉस कर दो अब बोला हाउ मेनी सेलेक्शन दैट मीनस कॉम्बिनेशन यूज करना है बिकॉज सेलेक्शन का मतलब क्या हो गया बड़ा कॉम्बिनेशन दैट मीन्स मुझे टेन में से ही थ्री बॉल सेलेक्ट करनी है मुझे रेड तो चाहिए नहीं सो हैव टू सेलेक्ट टेन में से थ्री बॉल्स याद रखना मुझे क्या करना मुझे टेन में से थ्री बॉल सेलेक्ट करनी बिकॉज मुझे रेड तो चाहिए नहीं आई होप इट इज क्लियर मुझे टेन में से थ्री बॉल सेलेक्ट करनी मुझे रेड चाहिए नहीं सो आंसर थ्री टेन सी थ्री सॉल्व करो बेटा आंसर इज वन टी ओके नेक्स्ट आइए बच्चा अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास क्या लिखा गया है ध्यान से देखिए इफ द ऑफ ऑफ ईच दिन क्लासेस दिस टेन वर्ड इज वेरी रेलिवेंट width of each of 10 classes in a frequency distribution is 2.5. That means width मतलब होता आपके पास class gap आ गया. It is given as 2.5. And the lower class boundary is 5.1. क्या लिखा है बेटा lower class boundary that means सबसे छोटी वाली 5.1. अब सोचो आपको बोला है that i is given to us. आपको बोला upper class boundary highest. अच्छा मेरे को एक बात बताना आपको बेटा हर एक में हम 2.5 add करेंगे. अगर आप सपोज कर लीजिए टू पॉइंट फाइव पहले क्वेश्चन का थोड़ा समझ लो बेटा पार्ट इसका करोगे टेन क्लासेस शॉर्टकट है ऐसे कितना बहुत लंबा हो जाएगा बेटा हर एक में टू पॉइंट फाइव एड करना तो उसका बेस्ट तरीका क्या होता है फाइव पॉइंट वन आपका लोअर क्लास बाउंड्री है 2.5 को आपने 10 टाइम्स ऐड करना है दैट मींस 2.5 प्लस अगर आप 10 टाइम्स ऐड करते हो 5.1 में दिस विल बी वर्किंग आउट टू बी 30.1 सो 30.1 इज योर अपर क्लास लिमिट हाईएस्ट क्लास लिमिट जिसको हम बोल सकते हैं राइट ओके नेक्स्ट आपको बोला हुआ okay, है कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई फाउंड फोर ओके बीच में अब आप लोग को पता बटा वेन द साइंस सिखाई हुई है साइंस आर सेम द को रिलेशन इज सेम एन द साइंस आर डिफरेंट द कोरोन इज ऑल्सो रिवर्स दैट मीन को रिलेशन का साइन भी डिफरेंट हो जाएगा सो इफ द साइंस आर सेम जैसे ये एक्स एंड वाई अगर ये सेम सिंबल होता फिर तो पॉइंट फोर का आंसर पॉइंट फोर होता है यू वाला याद रखना इसको हम कोरिलेशन ऑफ यू वाला फंडा बोलते थे क्लास में कोरिलेशन ऑफ यू सो इफ द द द द साइंस साइंस आर आर सेम सेम देन देन कोरिलेशन कोरिलेशन इज इज डिफरेंट डिफरेंट नेक्स्ट अगर दो वेरिएबल्स आपको लिखे हुए एक्स एंड वाई के उनका कोवेरियंस वेरियंस वेरियंस और आपके पास एक्स का और वाई का सब कुछ लिखा हुआ है सी इट वेरी वेरी सिंपल कोरिलेशन का एक फॉर्मूला होता था सिग्मा एक्स वाई ओवर एन ठीक है इंटू वन बाय स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स इंटू वन वाई अब बच्चे जब इसको चेक करते हो आपको बोला गया हुआ भाई हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं इसमें आपके पास को वेरियंस को वेरियंस दैट मीनस ये वाला पोर्शन आ गया फोर्टी इंटू वेरियंस ऑफ एक्स सिक्सटीन स्टैंडशन इज फोर वेरियंस ऑफ बाय टू फाइव standard स्टैंडर्ड is 16 वन बाय 16 अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए दिस तो आंसर आता बटो पॉइंट सिक्स टू फाइव ओके नेक्स्ट आगे देखिए भाई फिर हमारे पास एक आता है करेक्ट और इनकरेक्ट रैंक कोरिलेशन का फंडा आपको लिखा हुआ बेटा टेन स्टूडेंट्स का रैंक कोरिलेशन पॉइंट फाइव है बाद में डिस्कवर कर देखिए हमारे पास रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला वन माइनस सिक्स सिगमा डी स्क्वायर ओवर एन क्यूब माइनस एन रैंक कोरिलेशन बच्चों आपके पास लिखा हुआ है वहां पर पॉइंट फाइव है वन माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर सिग्मा डी स्क्वायर हमारे पास नहीं है बट अगर आप इसमें नोटिस करते हो एन क्यूब दैट इज टेन क्यूब माइनस टेन थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा बटा यह आएगा माइनस पॉइंट ओवर नाइन नाइनटीन जब आप इसको सॉल्व करते हो दोस्तों तो याद रखना जो आपके पास इनकरेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर आता है लेट मी क्लैरिफाई दिस टू यू फ्रेंड्स ये आएगा इनकरेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर इनकरेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर आपके पास आता है एरी टू पॉइंट फाइव जब आप इसको करेक्ट करते हो हाउ टू करेक्ट दिस अब देखिएगा बच्चों एडी टू पॉइंट फाइव आपके पास इसको आपने करेक्ट करना है कैसे आपको लिखा हुआ रॉन्गली टेकन एस थ्री इनस्टेड ऑफ सेवन दैट मीन आपका थ्री गलत है तो थ्री का स्क्वायर माइनस और सेवन का स्क्वायर प्लस करना है ये करने के बाद यू विल गेट द करेक्ट आंसर फाइव ंस यू गेट करेक्ट सिग्मा डी स्क्र ना यू कैन कैलकुलेट द करेक्ट कोरिलेशन गैट मीन वन माइनस सिक्स डी स्क्ट इज क्यूब माइनस टेन बच्चों जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर ऑटोमेटिकली आ जाता है पॉइंट टू सिक्स एंड पॉइंट टू सिक्स विल वर्क आउट टू बी ऑर ऑप्शन डी आप इसको चेक कर सकते हैं एक सौ बाईस पॉइंट पांच इंटू सिक्स डिवाइडेड बाय नाइन नाइनटी एंड जो भी आंसर आता है उसको वन से माइनस कर लीजिए और अप्रॉक्सिमेट आंसर वुड बी पॉइंट टू सिक्स ओके नेक्स्ट अब जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा बिकॉज लॉट ऑफ पीपल गिव मी प्रॉब्लम ऑफ दीज क्वेश्चन इसको ध्यान से देखना बेटा सारे बच्चों ने क्या लिखा हुआ आपके पास क्वेश्चन में लिखा है आर आपके पास पॉइंट फाइव है सिग्मा एक्स वाई इज वन ट्वेंटी आपके पास स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई इज गिवन सिग्मा एक्स इज गिवन आपको एन की वैल्यू निकालनी है सी द कोरिलेशन फॉर्मूला इज सिग्मा एक्स वाई ओवर एन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्शन ऑफ वाई नाउ हम लोग को बड़ा एक फॉर्मूला और याद करना है स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स होता था सिग्मा एक्स स्क् ओवर एन अंडर रूट वट वी हैव टू डू इस रिलेशन बच्चा मेरे पास ये पॉइंट फाइव आ गया सिग्मा एक्स वाइज वन ट्वेंटी एन अभी पता नहीं स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स के बदले वी कैन सिग्मा एक्स इज़ गिवन एज नाइनटी बाई अंडरूट एन एन स्टैंड ऑफ वाई इज एक्चुअली एट भाई मैं इसको सोल्व कर लूंगा यह आ जाएगा पंद्रह ठीक है तो इसको हम कैसे लिखेंगे पंद्रह ओवर ये जो एन है बच्चों ये क्या आ जाएगा अंडरूट एन n अंडर रूट एन इन टू नाइनटी बाय एन अब ये दोनों रूट आ गया नाउ वन रूट कैन बी इजिली कैंसल्ड राइट तो मेरे पास क्या आ गया पॉइंट फाइव इज इक्वल टू फिफ्टीन बायरूट नाइंटी एन क्रॉस मल्टीप्लाई करिए अनूट नाइनटी एन इज इक्वल्स टू फिफ्टीन बाय पॉइंट फाइव and that works out to be 30. Squaring both the sides, मैं करूँगा बच्चा 90 n is equals to 900. So n की value कितनी आ जाती है 10. So this is a very simple solution बच्चा जो अब इसमें कर सकते. हैं. Okay. Next, Consumer Price Index in 1990. इंक्रीजेस बाय एटी परसेंट दैट मीनस उन्नीस का अगर बेस इंडेक्स 100 है तो 1990 का बच्चा आपके पास हो गया 180. अब 1980 में अगर कोई बंदे की सैलरी सपोज कर लो साठ हजार थी उसने बोला है आज कितनी मिलेगी बंदे को तो देखिए आप इसमें बहुत सिंपल से वनडे से ले सकते हो यूनिटरी मेथड सौ पे सैलरी थी सिक्सटी एक पे होती सॉरी हंड्रेड तो 180 पे कितनी होती तो ऑब्वियसली बच्चा यहां पर आप नोटिस करते हो तो मेरे पास सैलरी जो है उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 180 के साथ दैट मींस माय सैलरी शुड बी वन लाख एट थाउजेंड पर एनम ऑप्शन इज योर आंसर राइट बटा ये मैंने सारे क्वेश्चंस जानबूझ के एक मिक्सअप रखे हैं आप ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो दिस पीडीएफ विल बी अपलोडेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो ये बच्चों के काम आ जाएगा ये पीडीएफ बच्चा आपके पास डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते ओके बट डू प्रैक्टिस दिस पर्टिकुलर पेपर इफ इन अर्टन कोड लैंग्वेज फोर नाइन थ्री नाउ लेट्स राइट डाउन फोर नाइन थ्री मीन्स फ्रेंडशिप डिफिकल्ट चैलेंज आई एम यूजिंग द फर्स्ट लेटर एफ डी सी 961, 961, is called वन struggle difficult exam. 178, 178 is एग्जाम बिलीवेबल सब्जेक्ट आपको बोला बिलीवेबल कौन सा लेटर हो सकता है अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपको देखो इसमें कॉमन ढूंढने हैं पहले कॉमन आप देखोगे बच्चा डी डी कॉमन ओके डी कॉमन है तो डी यहां भी कॉमन है अब दोनों में कौन सा लेटर कॉमन है नाइन तो नाइन आप कट कर दीजिए डी दी दोनों में कॉमन है ओके okay, अब ई e कॉमन है ई e अगर आप नोटिस करते हो कॉमन है तो दोनों में कौन सा लेटर कॉमन है वन तो इससे मुझे पता लग गया कि अब मेरे पास ये जो बी है बिलीवेबल इसके लिए आपके पास कौन से लेटर्स होंगे सेवन और एट सो इट्स अ बेस्ट टेक्निक टू डू इट आपके पास या तो वो बी होगा सेवन या होगा एट जो कॉमन है उसको कट कर दो कॉमन नंबर्स कॉमन डिजिट को काट दो सो so, यहां पर बच्चा आंसर क्या आ जाएगा आइदर सेवन और एट ओके नेक्स्ट ट्वेंटी थर्ड ए एंड बी बोथ आर चिल्ड्रन ऑफ सी कुछ रीजनिंग वाला पार्ट प्रैक्टिस करते हैं भाई सी के दो बच्चे हैं दैट इज एंड बी इफ सी इज मदर ऑफ ए एंड ए इज सन ऑफ सी सिंपल है यार देखिए सी कौन है बेटा मदर ऑफ ए और ए सन है मतलब ये पता लग गया ए सन है बट इज नॉट डॉटर तो बी डॉटर मतलब बीबी सन है अब दोनों related दोनों कैसे हैं बेटा कौन हो भाई तो ब्रदर ऑफ बी सिंपल वेरी वेरी सिंपल इंट्रस्टमी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते होते हैं पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ सीमा सेड ओके लेट्स मेक अ लेडी अ सुंदर सी लेडी इन अ फोटो सीमा उसको पॉइंट करते हुए क्या बोल रही है चलिए देखिए ध्यान से हर सन्स फादर ओके इनके बेटे के फादर भाई साहब जो इनके बेटे के फादर हो गए वो लेडी के हस्बैंड हो गए ऑब्वियसली ठीक है ज दन इन लॉ ऑफ माई मदर दैट मींस जो इनकी मदर है उनके सन इन लॉ हो गए दैट मीन्स इट्स वेरी वेरी सिंपल कि भाई ये जो लेडी है यह सीमा की कौन हो गई बहन सिस्टर सो आंसर कौन हो गया बच्चा इसका सिस्टर ओके नेक्स्ट अब ये सब जो क्वेश्चन हैं बच्चों को थोड़ा सा कई बार परेशान करते होते हैं बट इसको ध्यान से देखेगा इसमें सिर्फ आपको मार्क क्या करना है परसेंटेज का मतलब होता है भाई फादर एट द रेट का मतलब होता है सिस्टर डॉलर का मतलब होता है ब्रदर और स्टार का मतलब हो गया वाइफ अब हमने यहां पर क्या करा भाई देखिए एफ डॉलर डी दैट मीनस एफ इज brother of d let's write down d percentage r d is father of k i'm sorry k k is sister of h okay now h is wife of r अब आपको relations बनाने हैं इसके अंदर से देखिए पूछे हाउ इज डी रिलेटेड टू आर चेक इट आउट बेटा डी कौन है डी के का फादर है ठीक है के किसकी सिस्टर है एच की और एच किसकी वाइफ है आर की तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा आर की वाइफ है एच ठीक है और एच की सिस्टर कौन है के अब यहां पर उसने क्या बोला है के कौन है बेसिकली के वो एक्चुअली में डी का बेटा ही है इज फादर ऑफ के ठीक है सो डी का बेटा हो गया के के बहन हो गई एच ठीक है डी का बेटा कौन हो गया बेटा के के की बहन हो गई एच और एच जो है वो किसकी वाइफ है आर की अब सोचो डी का बेटा के के की बहन हो गई एच मतलब ये बेसिकली डी इसके पापा हो गए और अल्टीमेटली उसका हस्बैंड दैट मींस बेटी का हस्बैंड तो बेसिकली ये कौन हो गए फादर इन लॉ ये लीजिए राइट ओके नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट पार्ट है इन द एक्सप्रेशन ए परसेंटेज बी लेट्स राइट डाउन ए इज फादर ऑफ पी ओके नेक्स्ट आगे बी इज Sister of K. Next, K is wife of H. Next, H is father of P. अब बच्चे इसमें चेक करो बोला हुआ है बी और पी का आपस में क्या रिलेशन है अब ध्यान से मेरी बात को समझना बी और पी का रिलेशन क्या लिखा है बेटा बी इज सिस्टर ऑफ के ओके सो दैट मींस अगर हम बात करें बी कौन है बेटा वो के की सिस्टर है राइट right? अच्छा नेक्स्ट के इज वाइफ ऑफ एच के किसकी वाइफ है बेटा एच की डन आगे एच इज फादर ऑफ पी एच कौन है बेटा पी का फादर मतलब एच का बेटा हो गया पी ठीक है और आप समझो बेसिकली उसकी वाइफ है के और के की बहन तो ये उसकी आंटी हो गई मासी जी जिसको हम बोल सकते हैं लीजिए बच्चा नेक्स्ट अगर हम अगले पार्ट पे आते हैं पीस डायरेक्शन का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है पीस स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टू तो वेस्ट फेस्ट लेट्स मेक जैसे हम क्लास में करते हैं हम लोगों ने बड़ा अपना नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट बना लिया पी का घर है वेस्ट में उसके घर से वेस्ट में अब वो चल पड़ा है ठीक है टुवर्ड्स वेस्ट चलिए हम एक कम थोड़ा पी को यहाँ वेस्ट पे ले आते हैं सपोज पी का पोजीशन पहले ये था और पी वेस्ट पर आ गया आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी फाइव मीटर्स दोस्तों ट्वेंटी फाइव मीटर्स चलने के बाद वो राइट की तरफ मुड़ा बड़ा यहां से अगर आप राइट जाएगा तो बच्चा ऊपर आएगा और वो टेन मीटर्स चला ओके नेक्स्ट ही अगेन टर्न टू राइट एंड वॉक फिफ्टीन मीटर अब यहां से बंदा राइट जाएगा तो वापस आ रहा है मिनट अच्छा मीटर राइट right जो है ना वो मीटर से कम होगा तो से मीटर राइट यहां पर आ गया यहां पर रुका आफ्टर दिस इज टर्न टू अ डिग्री ऑफ राइट एंगल अच्छा एक चीज हो रही है ये, ये ना आरटीपी में भी ऐसे गलत था ये वन थर्टी फाइव डिग्री है याद रखना सो so, यहां पर बच्चा जब इसको आप चेक करते हो ये थोड़ी सी लाइंस लाइन आगे बढ़ाई अब सोचो एक बंदे का बेस एंगल यहां यहां पर है, बंदा यहां पर है है बंदा इस टाइम पे और अगर बंदा यहां से राइट होता है ठीक है जब यहां से राइट होगा तो ऑब्वियसली वो नीचे की तरफ आएगा और एक डिग्री में कैसे ले रहा हूं मैं आपको बताता हूं इफ यू रिमेंबर यहां से अगर हम बेस बनाते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए नब्बे बनता है ये नब्बे के बाद ये आ गया फोर्टी फाइव 90 नब्बे बना ध्यान से देख लीजिएगा बेटा ये बन गया 45. तो एक सौ पैंतीस की तरफ अच्छा अब वो थर्टी मीटर्स कवर कर रहा है उससे कोई नहीं पड़ता उसने पूछा वो किस डायरेक्शन में जा रहा है आप तो इसको चेक कर सकते हो कि बंदा जो है वो प्रैक्टिकली कहां पे मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है बेटा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में तो वो बेसिकली कहां मूव कर रहा है ही इज मूविंग टू वॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन तो आपको थोड़ा डायग्राम इसका समझ में आना चाहिए बिकॉज जब इसकी डायग्राम आप देखोगे तो याद रखना डायग्राम इसकी कुछ ऐसे बनती है कि बंदा पहले वेस्ट में गया वेस्ट में जब जा रहा है तो ऑब्वियसली वो इतना कवर कर जाता है 25 फाइव मीटर्स मैं एक बार आपको दोबारा बता रहा हूं 10 मीटर्स यहां पर और यहां पर वो 15 मीटर में बेस यहां पर उसका और जब आप एंगल चेक करोगे तो बेटा ये 90 डिग्री बनता है यहां तक 45 डिग्री बनता है इसको चेक कर लेना तो 135 ये एंगल कंप्लीट करेगा पूरा का पूरा राइट दैट इज इज गोइंग टू वॉर्ड साउथ वेस्ट डायरेक्शन ओके नेक्स्ट अब मैन इज फेसिंग नॉर्थ ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओके ही इज फेसिंग नॉर्थ लेट्स से अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ लीजिए बड़ा बंदा नॉर्थ फेस कर रहा है 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस तरफ गया 45 डिग्री 45 डिग्री नॉर्थ फेसिंग 45 डिग्री एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन एक मिनट 180 मतलब हो गया भाई ये पूरा घूम गया ये 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन और फिर उसके बाद वो 45 डिग्री वापस आया इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वापस बेटा पैंतालीस डिग्री आया यहां पर उल्टा उल्टा वापस आया मतलब बंदा यहां पर फेस कर रहा है इस टाइम पे तो उसका फेस किस तरफ है ऑब्वियसली उसका फेस है डाउन साउथ ये लीजिए बेटा नेक्स्ट अब इसको ध्यान से देखिएगा बच्चा चार लेडीज हैं ए बी सी डी और चार जेंट्स हैं ई e, एफ जी एच वो एक सर्कल में बैठे हुए हैं ठीक है अच्छा हम एक काम करते हैं एक सर्कल बना लेते हैं लेट्स टेक अ पेज यहां पर सपोज अब सर्कल बच्चा ऑब्वियसली आपको पता है सिटिंग अरेंजमेंट में एक्जैक्ट डायग्राम कभी भी एक बार में नहीं बनती है दो तीन बार दो बार लग जाते होते हैं तो हम दो डायग्राम साथ में एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ लोग हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ हम ऐसे आठ लोग की डायग्राम बना रहे चलिए लेट्स से कि हम लोगों ने बड़ा डायग्राम बना दी यहां पर ओके okay. अब उसने बोला नो टू लेडीज और जेन शुड बी सिटिंग असाइड सी सिटिंग बिटवीन जी एंड ई इज फेसिंग डी मान लीजिए अब जो मेरा डी है लेट्स से मेरा डी यहां पर आ गया अब उसने क्या बोला जो डी है उसको फेस कौन कर रहा है सी ठीक है उसको कौन फेस कर रहा है बेटा सी फेस कर रहा है चलो हम कहते हैं बेटा मान लो उसको सी फेस कर रहा है सी सपोज कर लो बच्चा इधर आ गया से बेटा सी हमने उसको फेस करना है यहां पर नोटिस कर लीजिएगा सी इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई फेसिंग डी और इसके साथ कौन है बेटा जी और ई e. अब देखो यहां प्रॉब्लम क्या है कि जी इधर भी हो सकता है ई e इधर भी हो सकता है अच्छा अब अगर सपोज मैं बोलता हूं बेटा यहां पर सपोज मैंने सी बिठा दिया तो अब मैं उल्टा ले रहा हूं यहां पर ई और यहां पर जी ले लेता हूं उल्टा Let's say, क्योंकि मेरे को जो सी है उसके ई e और जी उसके लेफ्ट राइट right कहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एफ इज बिटवीन डी एंड एंड जी एफ कहां पर होना चाहिए डी और ए के बीच में दैट मींस एक बड़ी सिंपल सी बात है एफ जो आपके पास बनता है मतलब मेरे को यहां पर कहीं ना कहीं एक लाइन और डालनी पड़ेगी यहां पर बेसिकली बड़ा मुझे F जो है वो यहां पर D और A के बीच में लगाना पड़ेगा तो मुझे F यहां पर लगाना है ठीक तो है तो है मैं यहां से भी एक लाइन हटा देता हूं और यहां पर बच्चा मेरे पास हर हालत में A आ गया कोशिश करो अब उसने लिखा गया F किसको फेस कर रहा है F जो है बेसिकली वो फेस कर रहा है आपके पास बोला हुआ बच्चा कि दैट इज फेसिंग जी लेट से बेटा एफ इज फेसिंग जी लेट से बेटा एफ आपके पास जी के साथ फेस कर रहा है तो सपोज कर लो बेटा एफ का जो जी फेसिंग है लेट से वो यहां पर आ गया ठीक है या तो फिर मेरे को थोड़ा जी का प्लेसमेंट चेंज करना पड़ेगा तो मैं एक काम करता थोड़ा डायग्राम को इस तरीके से बना देते हैं कि जी जो है लेट से भाई थोड़ा इधर कर लिया राइट अच्छा बाकी सी और ई अपनी जगह पर है कोई बात नहीं एफ उसको फेस करते हुए नजर आ जाएगा अच्छा सो so, अगर आप इसमें नोटिस करते हो एच इज टू द राइट ऑफ बी एच कहां पर है राइट ऑफ बी में सो so, अगर आप देख रहे हो तो ये डायग्राम को परफेक्ट करने का तरीका क्या है देखो पहले आपको क्या बोला था एक दो बार में गड़बड़ होता है अब परफेक्ट करने का तरीका क्या है परफेक्ट जब आपको बनाना है तो कैसे बनाना है अब समझो मैं सेंटर पॉइंट से शुरू कर लेता हूं क्योंकि डायग्राम जब बच्चा एक बार एग्जाम में बनाता है वो एक बार कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है मैं सेंटर पॉइंट से शुरू कर लेता हूं लिखा लिखा है है e so मैं D यहां पे लेता हूं। उसके सामने कौन कौन ले लिया इसके इसके बीच में कौन आ गए e और G. Now let's make a perfect diagram. Okay. अब बाद क्या एफ इज बिटवीन डी एन एन फेसिंग जी एफ कहां पर है बेटा डी और ए के बीच में लेट से एफ यहां पर आ गया यहां पर ए आ गया लेट से एफ यहां पर आ गया अब देखो परफेक्शन कहां पर है डायग्राम में जो पिछले में नहीं आ रही थी बिल्कुल यहां पर जी के साथ फेस हो जाएगा सो दिस इज द वे टू मेक इट नॉर्मली क्या होता है अ स्टूडेंट मैं थोड़ा स्टूडेंट पॉइंट व्यू से बात कर रहा हूं जब सिटिंग अरेंजमेंट में जब भी आप क्वेश्चन करोगे एक या दो बार डायग्राम गलत होती है ओके okay. नेक्स्ट आपको बोले एच इज टू द राइट ऑफ बी ओके अब बी के राइट right पर मतलब मुझे यहां बी रखना पड़ेगा लेट्स से बेटा बी यहां पे रखा उसके राइट right पर कौन आ गया एच अब आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो एवरी कंडीशन इज सैटिस्फाइड हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी बी के इमीडिएट नेबर्स कौन है बेटा आंसर इज जी एंड एच यू कैन सी द डायग्राम जी एंड एच आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी राइट ओके नेक्स्ट

ठीक है तो एक चीज दिमाग में रखना तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्डवेशन ऑफ न्यू सीरीज जो होगा बेटा वो आपको दिमाग में रखना है वो हमेशा पॉजिटिव होती है ठीक है सपोज कर लीजिए वो भी आपकी फोर जो है वो टू से डिवाइड होगी तो आंसर क्या होगा बच्चा आंसर टू होगा बेशक आप फोर माइनस टू से डिवाइड करके आप बोलोगे आंसर माइनस टू माइनस टू नहीं लिख सकते बिकॉज स्टैंडर्ड स्टैंडर्डेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव इट्स नेवर नेगेटिव मॉडुलस होता है बच्चे याद रखना मॉडुलस बी होता है उसके अंदर डोंट फॉगेट दिस ओके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई लिखे हुए आपको एक्स लिखा हुआ है एक्स बार इज बेसिकली एक्स ओनली याद रखना आपको वाई बार निकालना है तो वैल्यूज प्लेस करनी है सो फाइव एक्स दैट मीन्स फाइव इंटू फाइव प्लस टू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो सो यहां पर आप वाई को सोल्व करोगे और आंसर इज माइनस फिफ्टीन नेक्स्ट अब ध्यान से देखिएगा बच्चा एक बॉक्स में आपके पास वन डजन ऑरेंजेस है वन थर्ड इज बिकमिंग बैड ओके सपोज कर लो बेटा बारह ऑरेंजेस हैं उसमें से वन थर्ड हो गए चार चार हो गया बेटा खराब और आपके पास गुड ऑरेंजेस कितने हैं एट हो गए गुड ऑरेंजेस चेक करते जाओ अब आपने तीन ऑरेंजेस आपने निकालने हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन अगेन फंडा आ गया बेटा एटलीस्ट वन Of the oranges, out of three picked up is good. Okay. But अगर मुझे at least one बोला है, again, at least one की probability. It is always one minus probability of failure. अब मुझे बताइए failure क्या होगा Total oranges ट्वेल्व है ट्वेल्व में से मुझे थ्री निकालने हैं और मुझे यहां पर बोला है फोर अगर मैं फोर में से थ्री निकालू तो मेरे कोई भी ऑरेंजेस अच्छे नहीं आएंगे सो दैट्स योर फेलियर ियर मुझे अच्छे ऑरेंजेस नहीं चाहिए याद रखना सो माई ऑल ऑरेंजेस आर बैड सो एटलीस्ट वन जब भी बोल रहा है one minus probability of failure. जब आप इसको solve करते हो बच्चों तो आपके पास आंसर आता है by okay, next. Effective rate of interest निकालना है दोस्तों इट्स वेरी वेरी सिंपल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वन प्लस आई टू दावर एन माइनस वन

थाउजेंड बच्चा प्रिंसिपल है आपको बोला हुए, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर टू इन सिंपल आपको अमाउंट निकालना है एंड मोर ओवर आपको पता है अब इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर सो इट इज वेरी वेरी सिंपल टेन थाउजेंड को सिंपली मल्टीप्लाई करना है 1.71659 के साथ सो यू गेट द आंसर 11716.59 फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुअटी 1000 1000 इज मेड एनुअली फाइव इयर्स रेट फोर परसेंट कंपाउंड एनुअली बच्चा ध्यान से देखिएगा फ्यूचर वैल्यू क्या 1000. फ्यूचर वाली का फॉर्मूला 1 प्लस एट बाई हंड्रेड फोर्टीन बाई हंड्रेड टू दावर फाइव माइनस 1 ओवर 14 0.14. सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर है 6610. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस बिकॉज दीज आर डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल क्वेश्चंस, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल क्वेश्चन ओके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्कूटर इज सेवन टू नाइन जीरो अब आपको बोला है सेवन टू नाइन जीरो हर साल टेन टेन परसेंट डेप्रीशिएट करेगा तीन सालों के लिए मैंने आपको क्लास में बोला हुआ जब भी डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन हो क्या करते हैं वैल्यू गिवन इन टू हंड्रेड ओवर हंड्रेड माइनस रेट टू दावर एन इसमें आपको प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हंड्रेड ओवर हंड्रेड माइनस रेट टू दावर एन इज थ्री आप कैलकुलेट करेंगे सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा बिकॉज इज डेप्रीसिएशन द वैल्यू इज डिक्रीजिंग विल गेट द आंसर स्ट्रेट अवे इट इज डेप्रीसिएशन गाइज तो आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा नेक्स्ट अब यहां पर अगेन लेट मी टेल यू एक छोटा सा मिसप्रिंट है यहां पर जब एम में क्वेश्चन था ये एंड नहीं था यहां प्लस था जैसे लिखा हुआ है कि आपके पास दो वेरिएबल्स हैं उसमें लिखा है टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो इंटरेस्टिंग है इनका मीन आपको बोला हुआ है मीन इज आपको बोला बेटा मीन इज वन दैट मीन एक्स इज वन सो टू इन टू वन प्लस थ्री वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो बिकॉज अब आप वाई कैलकुलेट करोगे वही आपका वाई मीन आ जाएगा जब आप वाई इसमें कैलकुलेट करते हो बच्चा वो वाई बार होगा दैट वुल्स सिक्स सेवन ओके बट इसमें आपसे बोला गया हुआ है कि मीन डिवेशन ऑफ एक्स मीन डिवेशन ऑफ एक्स इज गिवन एज पॉइंट थ्री बट आपसे पूछा गया भैया कि कोफिशियंट ऑफ मीन डिवेशन ऑफ वाई निकालना है ओके अब बच्चे इसमें आप चेक करो कि हमें एक फॉर्मूला एक प्रॉपर्टी बताया मीन डिवेशन ऑफ वाई इज एक्चुअली वॉट मॉडल बी मीन डिवेशन ऑफ एक्स मॉडल बी मुझे मतलब ये इक्वेशन के अंदर से पहले बी ढूंढना पड़ेगा इक्वेशन के अंदर से बी कैसे ढूंढूंगा भाई ध्यान से नीचे देखिएगा मुझे वाई को एक तरफ रखना है माइनस टू एक्स प्लस सेवन सो वाई की वैल्यू माइनस टू बाय थ्री एक्स प्लस सेवन बाय थ्री एलिमेंट विच इज देयर विद एक्स इज माई मॉडल दैट इज माई बी सो बच्चा याद रखेंगे टू बाय थ्री इंटू मीन डेविएशन ऑफ एक्स मीन डेविएशन ऑफ एक्स कितना आता है बच्चों दैट इज पॉइंट थ्री अब रुको मीन डेविएशन ऑफ वाई जब हम इसको सॉल्व करते हैं टू इंटू पॉइंट थ्री डिवाइडेड बाई थ्री दैट वर्क्स आउट टू बी पॉइंट टू ये आ गया अब मुझे निकालना है कोफिश ऑफ मीन डेविएशन ऑफ वाई that is mean deviation of y it's 0.2 over formula mean division of mean over mean y ka mean kitna hai 1.667 into 100 0.2 divided by 1.667 into 100 and that works out to be around 12 answer is approximately 12 ओके okay, गाइस आगे देखेंगे बच्चा ध्यान से 38 आपको बोला है मीन एंड स्टैंडर्डवेशन ऑफ एक्स इज 50 एंड 5 रिस्पेक्टिवली नाउ आपको स्टैंडर्डवेशन बोला है एक्स माइनस फिफ्टी ओवर 5 निकालना है अगेन दोस्तों यहां पर अगर आप चेक करोगे तो फॉर्मुलेशन हम लोगों को क्या करना है पहले y को एक तरफ रखना है तो x बाय फाइव माइनस फिफ्टी बाय फाइव जो x के साथ एलिमेंट लगा है, वो b होता है प्रॉपर्टी याद रखिए प्रॉपर्टी याद रखो दोस्तों स्टैंडर्ड स्टैंडर्डवेशन ऑफ वाई इज स्टैंडर्ड मॉडलेशन ऑफ एक्स मॉडलेशन ऑफ एक्स इज फाइव सो योर ऑफ इज अब आपको मीन भी बोला निकालने को बच्चों तो याद रखेंगे मीन हमने कैसे निकालना है मीन देखो मीन कैसे निकालना है बहुत सिंपल है आपके पास वाई की वैल्यू निकालनी है एक्स की गिवन है एक्स की कितनी गिवन है फिफ्टी So 50 minus 50 over 5. So your answer is zero So mean is zero and standard deviation is 1. So answer aata hai zero and 1. Because bola hai mean or standard deviation ka answer ke liye. Okay. Next. एक letter आपने randomly लिया है एक word है बेटा range ध्यान से देखना range अच्छा दूसरा है page अच्छा अगर आप सपोज कर लो बोलता है लेटर शुड बी सेम अब आप सोचो मान लो मुझे यहां से एक लेटर निकालना है five, यहां से निकालना है ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई अब लेटर शुड बी सेम सेम यहां कितने लेटर्स हैं अगर आप देखोगे ए जी ई सेम है दैट मीन्स तीन लेटर सेम है चलो एक बार सेम आने की प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जाम्पल हो गई आपके पास वन बाय ट्वेंटी तो तीन बार सेम आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी थ्री बाय ट्वेंटी सिंपल राइट ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बैग में आठ रेड और फाइव वाइट बॉल्स हैं ध्यान से देखिएगा बेटा एक बैग है उसके अंदर आठ रेड फाइव वाइट बॉल्स है मैंने दो बार उसमें से तीन तीन बॉल्स निकालनी विदाउट रिप्लेसमेंट होल्ड ऑन पहली बार जब आप बॉल्स निकालोगे तो थर्टीन सी थ्री टोटल बॉल्स हो गई उसने बोला है कि आपको तीन वाइट बॉल निकालनी है तो क्या होगा फाइव सी थ्री राइट right? अब आप सपोज कर लो आप तीन निकाल चुके हो बॉल्स राइट right? ध्यान से मेरी बात समझो तो तुम्हारे पास नेक्स्ट के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी टेन अब सेकेंड में आपको रेड बॉल निकालनी है रेड बॉल निकालनी मतलब एट सी थ्री समझो फर्स्ट में आपको क्या निकालनी थी व्हाइट बॉल तो मैंने व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी चेक कर ली एंड द वर्ड इज विदाउट रिप्लेसमेंट तो नेक्स्ट के लिए बॉल्स कितनी रहेगी टेन बिकॉज तीन बाहर हो गई तो बच्चों याद रखना यहां पर क्या आ गया एट सी थ्री जब मैं इसको सॉल्व करूंगा उम्मीद करूंगा बच्चे कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेंगे इट इज सेवन बाय फोर टू नाइन सो ऑप्शन इज सी सो ये था दोस्तों आपके पास पहला पार्ट इस लेक्चर का दैट इज फर्स्ट फोर्टी क्वेश्चन नेक्स्ट सिक्सटी क्वेश्चन आर कमिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर डू वेट फॉर दैट ओके सी ऑल गाइज बाय थैंक यू गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट वर्क हार्ड वर्क हार्ड बच्चा